चोरी की गैंग गिरफ्तार। थाना हीमपुर दीपा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा चोरी किए गए बिजली के तार, ट्यूबवेल के स्टार्टर, पंखा आदि उपकरण और अवैध शस्त्रों सहित चोरी के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जनपद बिजनौर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी चांदपुर के कुशल पर्यवेक्षण में मुखबिर की सूचना पर थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुंडाल तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान जुल्फिकार उर्फ जुल्लू, जुल्फिकार उर्फ फिमन, नौसाद हसीन अहमद और राकिब को 2 तमंचों 315 और 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 एल्बो ट्यूबवेल की तांबा और एल्यूमिनियम के तार और बिजली की सरकारी लाइन के एल्यूमिनियम के तार, ट्यूबवेल की मोटर को खोलने के उपकरण, प्लास, चाबी, रिंग आदि बरामद किए। पकड़े गए चोर शातिर किस्म के हैं, जो बिजली और तार की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। नव भारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। चोरी का खुलासा हुआ है, चोरों का गैंग था, क्या है प्रॉब्लम? हेमपुर दीपा के थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने चोरों के 5 सदस्यों के गैंग को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा विगत 1 वर्ष से कई थाना क्षेत्रों में बिजली के तार, ट्यूबवेल के मोटर तार एवं अन्य महत्वपूर्ण चीजें चोरी करते थे, जिससे किसानों में महीनों से आक्रोश था। आज 5 सदस्यीय गैंग की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से अनेक सामान जो लगभग कीमत 5 लाख रुपए के बरामद हुए हैं। इनके गैंग का पंजीकरण होगा, हिस्ट्री शीट खोली जाएगी एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा।